हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट, कैसे आप सभी सभी आई हो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो आप सभी में से जो है मोस्टली स्टूडेंट का डाउट ये है कि हमारा जो है वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, यानी कि किस लैंग्वेज में अपने को पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर मैंने जो है वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी सेलेक्ट किया तो क्या सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा? तो बच्चों ऐसा नहीं है, आप लोगों का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो बाई इक्वल होगा। बाई इक्वल का मतलब क्या है, तो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप लोगों ने हिंदी सेलेक्ट किया था तो फिर अगर आप लोगों का जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो देखने को मिलेगा मिलेगा, साथ में आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग जो है कोई सा भी दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, यानी कि असम अगर सेलेक्ट करते हो तब भी अगर इंग्लिश में देखने को मिलेगा मिलेगा, और साथ में जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाकर जो है हम लोग जो है वो किस लैंग्वेज में पेपर लिखेंगे। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी पूछा होगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया लाइक हिंदी इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में आप लोगों को आंसर लिखने होंगे। सो आई होप आप सभी की ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जगह जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट अभी 6 मई है। ठीक है, उसमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग इस चीज का वेट मत करो, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो जितने भी नहीं फिलअप किया। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है कि मैं उससे पूछ लेना, सभी के कमेंट रिस्पॉन्स करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप सभी के पास सीयूईटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।